हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी एवरी टाइम चैनल पर आपका स्वागत है। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा 49,568 ईबी पुलिस भर्ती का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ में ये खबर आज लेकर के आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। तो मैं आपको 100% कन्फर्म बता दे रहा हूँ कि रिजल्ट सितंबर 14 या सितंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो इसकी मैं सत्यता से सटीक जानकारी दिखाता हूँ और मैं आपको ऑफिशियल न्यूज पर भी चल करके दिखाता हूँ। आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। आज के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सत्य और सटीक क्या है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जिससे आपकी समझ में आ जाए बिल्कुल सही तरीके से। तो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अभी तक कैसी भी अपडेट नहीं आई है, ना ही कट ऑफ से संबंधित अपडेट आई है, ना ही कोई भर्ती बोर्ड ने इस पर कोई नोटिस भेजा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कोई भी अभी तक कैसी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई है। दोस्तों, आप परेशान ना हों, मैं आपको सत्य और सटीक जानकारी दूंगा, जिससे आप बिल्कुल भी हाँ समझ जाएंगे कि हाँ, वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो बने रहें वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, जिससे आपको पता चल जाएगा वीडियो हाँ बाकी में ये सही है और हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार परिणाम पर क्लिक करके, यहाँ पर सभी का परिणाम आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक आया 49,568 भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों, मैं तुम्हें आगे सत्य और सटीक जानकारी दिखाता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए हमारी अगली खबर पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अगली खबर पर। सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा रिजल्ट सिपाही भर्ती 2018 का। तो दोस्तों, आपने ये कटिंग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो में देखी होगी, मगर आपने इस कटों में गौर से नहीं देखा होगा कि इसमें लिखा क्या है। तो आज मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया और क्या कारण है आने का। तो दोस्तों, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिपाही भर्ती 2018 अक्टूबर का परिणाम। बारिश के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है। तो दोस्तों, आपने ये देख ही लिया होगा, सितंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, सितंबर पहना निकल ही गया है और सितंबर का दूसरा सप्ताह चल ही रहा है। तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में 12 दिन हो चुके हैं और इसमें 2 दिन और बाकी हैं 14 तारीख तक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 14 या 15 तारीख तक संभावना है कि आ जाए, मगर कोई हम इसकी पुष्टि नहीं कह सकते कि रिजल्ट सितंबर में सेकेंड वीक में आ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सितंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है, मगर सकता है इस पे गौर दीजिए, सकता पर। अगली खबर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं, सूत्रों का कहना है कि पूरे शेड्यूल को देखते हुए 49,568 पदों के लिए अक्टूबर 2018 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया का परिणाम सितंबर के अंत तक घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये भी देख लिया होगा कि सितंबर के अंत तक घोषित किया जाएगा, मगर इसका कोई प्रूफ नहीं है कि सितंबर के अंत तक रिजल्ट आ ही जाए। अगले महीना भी आ सकता है, इसी महीने में आ सकता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इसमें सटीक और सत्य जानकारी यही थी कि आपने इन दो बिंदुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दें। और ये अमर उजाला की कट ऑफ है, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल कट ऑफ देखी होगी, आपने इन दो बिंदुओं पर गौर से नहीं देखा होगा दोस्तों। तो आप अपनी रनिंग करते रहें, रनिंग बंद ना करें,
फिर आपको बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों, अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल स्टडी हैबिट टाइम को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का नीचे बटन दिख रहा होगा, उसके बराबर में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर यूपी पुलिस की जो भी खबर सबसे पहले अगर हमारे पास आएगी, हम तुमको पहुंचाएंगे सबसे पहले अपडेट। रेट से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित, और आप जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी एवरी टाइम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। और आपको हर एक वीडियो यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। यूपी पुलिस, SI, दिल्ली पुलिस, SSC, CTET, जूनियर फ्रेंड, सभी की वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड डेली टू डेली की जाएंगी। दोस्तों, तो आज के लिए ही बस इतना। अगर कोई भी न्यूज आती है तो हम सबसे पहले आपको पहुँचाएँगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो भी समझें कि हाँ वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।